बड़ी खबर आ रही है, पिछले कई दिनों से सुर्खियों में छाई उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच विवाद से जुड़ी पति और पत्नी में चल रहे घमासान के बीच अब एक नया वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दावा किया गया ये वीडियो पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का है, जो आलोक मौर्य और उनके घर वालों को भला बुरा कह रही हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो तब का है जब एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य के नए रिश्ते का राज सबके सामने आ गया था। और आरोप है कि ज्योति मौर्य के नए रिश्ते के बारे में जब आलोक मौर्य ने उनसे पूछा तो वो भड़क गए, उन्होंने एक झटके में उनसे नाता तोड़ लिया। उनका यह भी आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ रिश्ता तोड़ा बल्कि वो किसी दूसरे के लिए उनके 13 साल के प्यार को ठोकर मारकर चले गए और दो टूक कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर आलोक मौर्य के साथ नहीं रहेंगी। जबकि आलोक मौर्य का दावा है कि उन्होंने ज्योति को पीसीएस अधिकारी बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन अधिकारी बनते ही उन्होंने उन्हें ठोकर मार दी। हालांकि ज्योति मौर्य ने पति आलोक मौर्य के लगाए गए सारे आरोपों को नकार दिया, लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दावा किया गया कि ये वीडियो ज्योति मौर्य का है, जिसमें वो पति आलोक से झगड़ा करने के दौरान उनके घर वालों को भला बुरा बोल रही हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। झाड़ू लगा लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं, पैसे खा खा के, दुनिया का खा खा के, ठेले वाले तक को भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। दावा यह भी किया गया कि ये वीडियो उस समय का है जब आलोक मौर्य को ज्योति मौर्य के नए रिश्ते के बारे में पता चल गया था। और इस वीडियो के अलावा पति पत्नी के बीच चल रहे झगड़े का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दावा किया गया कि ये ऑडियो एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का है, जिसने ज्योति अपने पति से तलाक मांगती सुनाई दी, जबकि आलोक मौर्य उनसे साथ रहने की गुजारिश करते रहे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह ऑडियो पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का बताया गया। दावा किया गया कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति ने आलोक के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद आलोक ने उन्हें कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। वायरल हो रहे इस ऑडियो में ज्योति मौर्य अपने पति से तलाक लेने की बात कहती सुनी गई। हालांकि इस ऑडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे। वायरल हो रहा यह ऑडियो कब का है इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। और इस मामले में मोड़ तब आ गया जब एक बार फिर आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर नया आरोप मढ़ दिया। उनका आरोप है कि ज्योति मौर्य उन्हें उनकी बेटियों तक से मिलने नहीं दे रही, जबकि बार बार वो उनसे अपनी बेटियों से मिलने देने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। लेकिन उनकी लाख मिन्नतें करने के बाद भी एसडीएम ज्योति मौर्य का दिल नहीं पिघला। आलोक मौर्य का आरोप है कि ज्योति मौर्य अपने पद का गलत इस्तेमाल कर उन्हें उनकी बेटियों तक से मिलने नहीं दे रही। आलोक मौर्य के मुताबिक ज्योति मौर्य से उनकी 2010 में शादी हुई थी। 2015 में ज्योति मौर्य ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। आलोक का आरोप है कि पीसीएस अधिकारी बनने के बाद ज्योति ने उन्हें ठोकर मार दी और अब वो जानबूझकर बेटियों को उनके पिता से मिलने नहीं दे रही। मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। हालांकि ज्योति मौर्य ने न सिर्फ पति आलोक मौर्य के आरोपों को खारिज किया बल्कि उन्हें झूठा तक बता दिया। और उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर उनके पति और एक पत्नी एक और बड़ा इल्जाम लगाया। उनका आरोप है कि ज्योति मौर्य ने उनकी हत्या करवाने के लिए अपने भाई को उनके पीछे लगा रखा है, जो उन्हें मारने की फिराक में। मतलब एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच छिड़ा घमासान अब हत्या की साजिश रचने जैसे आरोप तक पहुंच गया। जबकि कुछ रोज पहले आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति पर एसडीएम बनने के बाद उनसे रिश्ता तोड़ने का आरोप लगाया था। बाद में उन्होंने ज्योति मौर्य पर रिश्वत लेने का भी आरोप मढ़ा। और अब आलोक मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी उनकी हत्या करवाना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने भाई को उनके पीछे लगा रखा है। उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। आलोक मौर्य का ये भी आरोप है कि सचिन मौर्य लगातार उनका पीछा कर रहे हैं और कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने यूपी के प्रयागराज में इसकी रिपोर्ट तक दर्ज करा दी। यही नहीं, आलोक मौर्य ने भी दावा किया कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य के किसी दूसरे आदमी के साथ अवैध संबंध है, जिसकी वजह से वो उनसे पीछा छुड़ाना चाहती। आरोप है कि अवैध संबंधों की वजह से ही एसडीएम ज्योति उनसे अलग हो गई। आलोक मौर्य का कहना है कि बरेली में तैनात ज्योति मौर्य हर हाल में उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है। जबकि उनका दावा है कि उन्होंने ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर अपने दम पर पीसीएस अधिकारी बनाया। आलोक मौर्य के मुताबिक 2020 तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन इसी दौरान उनकी सोशल मीडिया पर किसी के साथ दोस्ती हो गई। आलोक का दावा है कि उस आदमी के साथ उनकी पत्नी ज्योति मौर्य के अवैध संबंध है। उनका अवैध संबंध है, मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपनी आवाज को पकड़ लिया था। आलोक मौर्य का यह भी कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो ज्योति मौर्य उन्हें धमकाने लगी और फिर थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने कोर्ट में उनसे तलाक लेने के लिए अर्जी तक दे दी। और तो और आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी किसी भी सूरत में उन्हें सड़क पर लाना चाहती है, जिसके लिए वो उन्हें नौकरी से हटवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में कर्मचारी हैं। लेकिन आलोक मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य उनकी नौकरी छीनने में जुटी हैं। आरोप है कि उन्हें नौकरी से हटवाने के लिए वो बार बार जिला पंचायत अधिकारी से उनकी शिकायत कर रही हैं। आलोक मौर्य का यह भी आरोप है कि ज्योति अपने पद का गलत इस्तेमाल कर जिला पंचायत अधिकारी पर दबाव बना रही हैं, ताकि किसी भी तरह से उनकी नौकरी चली जाए। ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए
मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है, इनको बर्खास्त कर दीजिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ज्योति मौर्य उनके परिवार के लोगों को भी परेशान करने में जुटी हैं, जिसके लिए वो हर तरह के हथकंडे अपना रही हैं। लेकिन ज्योति मौर्य ने भी अपने पति के एक एक आरोप का जवाब दिया और उन्होंने आलोक मौर्य पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगा दिया। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में SDM रहने के बाद ज्योति मौर्य इस वक्त बरेली की एक शुगर मिल में GM के पद पर तैनात है और उनके पति आलोक मौर्य ने उन पर PCS अधिकारी बनने के बाद धोखा देने और परिवार से पीछा छुड़ाने का आरोप लगाया। इन आरोपों का जवाब देते हुए ज्योति मौर्य ने भी पति आलोक मौर्य पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप मढ़ दिया। उनका आरोप है कि शादी के वक्त आलोक मौर्य ने झूठ बोला था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी है और आरोप है कि वो असल में ग्राम पंचायत विभाग में एक मामूली सफाई कर्मचारी थी। SDM ज्योति मौर्य का ये भी कहना है कि आलोक की असलियत जानने के बाद वो उनसे तलाक लेना चाहती थी, लेकिन उस दौरान किसी वजह से उन्होंने अपना फैसला बदल दिया था। और तो और SDM ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य और उनके परिवार के लोगों पर दहेज मांगने का भी आरोप लगा दिया। उनका ये भी आरोप है कि उनके PCS अधिकारी बनने के बाद पति आलोक और उनके घर वालों का रवैया अचानक बदल गया और वो लोग उनसे पैसों की डिमांड करने लगे। ज्योति मौर्य का आरोप है कि 2016 में SDM बनने के बाद आलोक मौर्य और उनके परिवार के लोगों ने उनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए। आरोप है कि आलोक उन पर 50 लाख रुपए और एक मकान देने का दबाव बनाने लगे, जिससे तंग आकर उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी। साथ ही उन्होंने पति आलोक समेत ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज करवा दिया। तलाक के लिए मेरे द्वारा आपके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। हालांकि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के लगाए सारे आरोपों को झूठा बता दिया। उनका आरोप है कि ज्योति उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है, इसीलिए वो उन पर झूठे आरोप मढ़ रही है। और यूपी के बरेली में तैनात PCS अधिकारी ज्योति मौर्य ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को नकारते हुए पति आलोक मौर्य पर व्हाट्सएप चैट हैक करने का आरोप लगा दिया। उनका यह भी आरोप है कि आलोक उनकी व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे ताकि वो उनसे मोटी रकम वसूल सके। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक ने उनका मोबाइल फोन हैक कर व्हाट्सएप पर हुई उनकी निजी बातचीत चुरा ली। PCS अधिकारी ज्योति मौर्य ने यह भी इल्जाम लगाया कि व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर आलोक उन्हें ब्लैकमेल करने लगे और उनसे एक बड़ी रकम की भी डिमांड की। आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था। आरोप है कि मना करने पर आलोक ने उनकी चैट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद ज्योति मौर्य ने प्रयागराज में पति आलोक और उनके घर के कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया।